आज पुलिस क्यों आ रखी स्कूल में? पता नहीं सर, हमें नहीं पता। ये पुलिस क्यों आ रखी स्कूल में? आए बच्चे जो मोटरसाइकिल लेके आए हैं, 1, 2, 3। अगर कोई भी नाबालिग बच्चा जो 18 साल से नीचे है, अगर वो वाहन चलाता पाया जाता है तो उसपे कम से कम 25,000 का जुर्माना है। उसे मोबाइल में डाउनलोड जरूर करें उत्तराखंड पुलिस ऐप को। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग डीकेएस चौहान ब्लॉग्स में। तो आज हमारे स्कूल में आई है थतीउड़ थाने से पुलिस, और इसका क्या कारण है तो आपको भी दिखाते हैं किस कारण से आज स्कूल में पुलिस आई है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज पुलिस क्यों आ रखी स्कूल में? पता नहीं सर, हमें नहीं पता। आपको पता नहीं क्यों आ रहे? चलो ठीक है इंजाम, ये पुलिस क्यों आ रखी स्कूल में? जोश जी, पुलिस क्यों आ रखी आज स्कूल में? आज हमारे स्कूल में चल रहा है पुलिस विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान। हमारे विद्यालय में पुलिस प्रशासन की टीम आ रही है, तो हमारे बीच में हम विद्यालय परिवार में उनका हार्दिक अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। गाड़ी के कागज हैं नहीं, गाड़ी आपने किस प्रकार से खरीदी है, गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी जो परिवहन से संबंधित जानकारियां आपको सर देंगे। तो मैं एसपी चमोली से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को कुछ न कुछ। चमोली जी, ये मोबाइल कितने बच्चों के पास है यहाँ पे? हाथ खड़े करो। लड़कियों के पास कितने है? हाँ, तो मंगाया था, लाए होंगे 12th क्लास के, 11th के, 10th। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को यातायात ट्रैफिक बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल लेके आए हैं, 1, 2, 3। अभी और ना सर, कई लोग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बच्चों को मालूम है मोटरसाइकिल चलाने के लिए DL होना जरूरी है। कोई भी वाहन 7 से ऊपर के बच्चों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और वही केवल वाहन चला सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उन कोई भी हेलमेट पहन के आता है। कहाँ रखा आपने हेलमेट अपना? के पास हेलमेट है वो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आप कम से जागरूकता है तो है आपने? ये पूछ रहे। अच्छा, लेके आए हो आप लोग हेलमेट? लाए हो लेकिन लगाते नहीं हो। कहाँ से आते हो आप? कितने दूर है आपका घर यहाँ से? कितना दूर है आपका घर? नहीं, कितना दूर होगा यहाँ से? बोल रहे किलोमीटर बता। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। मुझे लग रहा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैं देखता हूँ ऊपर से पैदल जाते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर तो होगा ही, इतना है ना। तो 1.5 किलोमीटर के लिए मोटरसाइकिल लाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई भी नाबालिग बच्चा जो 18 साल से नीचे है, अगर वो वाहन चलाता पाया जाता है तो उसपे कम से कम 25,000 का जुर्माना है, इतने की आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं होगी। और उसके पेरेंट्स को बुला के 6 महीने की सजा का प्रावधान किया। तो आज यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो विभाग बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बता रहा है और जो यातायात के नियम है उनके बारे में हमारे यहाँ पे थाना अध्यक्ष थतीउ बता रहे हैं। आपका जीवन अमूल्य है, बच्चे खासकर बहुत तेजी से वाहन चलाते हैं और जब कोई घटना हो जाती है तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा धक्का लगता है। अगर आपने 2-व्हीलर में हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप तो चले गए, लेकिन घर वाले फिर ये सोचते हैं कि यार हम अगर अपने बच्चों को हमने वाहन नहीं दिया होता तो यार ये जिंदा रहता। शुरुआत वहां से होती है, आप लोगों ने शुरुआत की कहीं से, यार सिगरेट ऐसे भी है, हमने भी ट्राई किया 1-2 बार, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। तो कोशिश करें कि नशे से दूर रहे, अपने आस पड़ोस में भी इस चीज का विरोध करें, घर में भी, घर ये जो नशा है घर को भी बर्बाद कर देता है। जहां इस
कोशिश करो कि आप अपनी पढ़ाई लिखी पर विशेष ध्यान दो और नशे को ना कहो, ठीक। दूसरी बात है कि साइबर अपराध, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है आजकल। आजकल जो पहले के जमाने में जो क्राइम होता था वो होता था कि आदमी कहीं पर भी क्राइम करने स्वयं जाता था, ज्यादा आज की डेट में साइबर क्राइम हो रहा है। आप लोगों के पेरेंट्सों के साथ किसी न किसी के साथ ये घटना हुई होगी, हुई किसी के साथ कि पैसे कटे हो किसी के, कोई हाथ खड़ा करे अगर किसी के घर में ऐसा हुआ हो, पैसे कट गए हो, नहीं हुआ? फोन तो आए होंगे कि आपकी लॉटरी निकलने वाली है, मैसेज आते हैं आपके यहाँ 25 करोड़ की लॉटरी लग गई है, कौन बनेगा करोड़पति से, केबीसी में है ना, आता है कभी कभी कॉल भी आती है ऐसे। चलो आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन खासकर अपने मम्मी पापा लोगों को इस चीज के बारे में या अपने आस पड़ोस के बारे में इस चीज को खुद जरा जागरूक जरूर करें कि जो लॉटरी का आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है ये सारे फेक होता है। अच्छा, दूसरा है एक गौरा शक्ति ऐप, ये उत्तराखंड पुलिस ऐप का एक गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड गौरा शक्ति ऐप निकाला है, जिसमें खासकर महिलाओं को जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए ये गौरा शक्ति होती है। तो उसमें आप ये एक डेमो दे दो, लेके आओ कोई भी लड़की ले आओ, आ जाओ आप आगे आ जाओ, किसी के पास है, चलो आप आ जाओ आगे आ जाओ, आप आ जाओ, ये फोन ले आओ। आजकल तो मैं देख रहा हूँ ना, बच्चे भी स्कूल से जब जाते हैं तो वो रास्ते में चलते चलते लगे रहते हो ना आप फोन पे, कि घर जाने से पहले जो जरूरी चीजें हैं वो बातचीत हो जाए, है ना। इसको आपको सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड करना है, इस चीज को जरूर आपने उसे मोबाइल में डाउनलोड जरूर करें, उत्तराखंड पुलिस ऐप को। ओपन करने के बाद ये फोन नंबर मांगता है, तो ये इसका है, तो इसका मैं नंबर डाल देता हूँ, क्या नंबर है आपका, उसमें एक ओटीपी आई है, ओटीपी आ चुका है नहीं संदेश। जब ये ओटीपी आएगा तो इसका देखते हैं, ओटीपी में इनका जो पासवर्ड है ये क्या है, 63। उत्तराखंड पुलिस ऐप आपका जब डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर आता है, जनरल ऐप है, इसमें कोई भी जैसे वेरिफिकेशन सभी चीज में होता है ना, हाँ, जो उत्तराखंड पुलिस ऐप के बाद ये आपका आ जाता है, ये खुल के आ जाता है पेज, ठीक है। ये पेज जब आपका खुल का आ जाएगा तो इसमें है ये गौरा शक्ति, गौरा शक्ति ऐप में आपको रजिस्टर्ड करना है। जब आप इसमें रजिस्टर्ड करोगे, ये इसका फोन है, तो मैं आपके मदर के नाम से इसको कर देता हूँ, क्योंकि एक गौरा शक्ति ऐप केवल महिलाओं के लिए है। जब ये चीज आप रजिस्टर्ड कर दोगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा, तो ये आपका रजिस्टर हो गया। इसमें जो हमारे थाने में जो महिला कॉन्स्टेबल है उसका नंबर भी आ जाता है, ठीक है। अब जब ये आपका रजिस्टर हो गया गौरा शक्ति ऐप, तो इनकेस अगर आप कहीं पे भी हो, आप मैंने कहीं जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, रात चलते कभी भी आपको पुलिस की हेल्प की जरूरत होती है या आपको लग रहा है भाई इनलीगल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे और आप अनसेफ अपने को समझो, तो आप ये SOS होता है, जो ये SOS होता है आप इसे दबा दोगे, पैनिक बटन कहते हैं, ये आपकी लोकेशन हमें मिल जाएगी, सीधे ट्रेस हो जाएगी, तो अपना ट्रेस हो जाएगा आप कहाँ पे हो, ये हो सकता है बात नहीं कर पाए वहाँ कोई ऐसी चीज है, तो इससे क्या होता है आपकी लोकेशन हमारे पास हमारे जो कंट्रोल रूम है उस पर आ जाती है, और कंट्रोल रूम में आने के बाद अगर हम आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैंने ये नंबर जो आपका रजिस्टर नंबर वो पहुंच चुका है हमारे कंट्रोल रूम में, अब कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद वो खुद ही आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा जो हमारे स्कूल्स की फीमेल टीचर्स हैं उनको गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है और कैसे उस ऐप के यूज होंगे उसके बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस ऐप है, इसके अंतर्गत ये आपको फैसिलिटी मिलती है, ई कंप्लेंट है, गौरा शक्ति ऐप है,
ट्रैफिक आई है, नशा मुक्ति हुई उत्तराखंड है, साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप किसी व्यक्ति का अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप इसमें वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आपकी जो कंप्लेन है वो ट्रैक हो जाती है। और इसके साथ ही इसमें एक पैनिक बटन है जिस जो है SOS बटन, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। उन्होंने जो छात्रों को नशे के बारे में कि नशा जो जीवन के लिए कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है, आदमी जो है घर गृहस्थी भूल जाता है, यहाँ तक कि उसके